बसमिल्लाकुम वेलकम बैक टू आई टी स्मार्ट स्पोर्ट जी अच्छा पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप विंडो कर सकते हैं यू एस बी के थ्रू या सी डी रोम के थ्रू तो मैंने सोचा क्यों ना आप अपने अपने दोस्तों को अपने फ्रेंड्स को अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मैं यू के थ्रू विंडो बूट करना भी सिखा दूँ क्योंकि तो विंडो बूट करना भी बहुत कम लोगों को पता होता है कि विंडो यू एस पी के थ्रू किस तरह से बूट करते हैं बाजार से सीडी ला के और सीडी को बूट करवाना ये तो तकरीबा तो सभी को मालूम ही होता है लेकिन क्या होता क्या है कि वो जो सीडी होती है वो आपकी दो दफ़ा चलती है तीन दफ़ा या आप एक दफ़ा विंडो कर लें क्योंकि विंडो कैसी चीज़ है जो बार बार तो होती नहीं है तो कमो व ही यूज़ करनी पड़ती है सी डी इस तरह तो या तो सी डी आपकी गुम जाती है या कोई आपका दोस्त साफ़ से ले जाए तो वो वापस भी नहीं होती तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि मैं आपको यू एस विंडो जो बूटेबल यू एस होती है वो किस तरह से बनाते हैं वो भी, भी आपको सिखा देता हूँ अच्छा वीडियोज़ तो बहुत सारी हैं यूट्यूब भरी पड़ी है इसके साथ लेकिन मैं कुछ आपको डिटेल से बताऊँगा कुछ इस तरह से कि जैसे यू एस पी जब बूट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी ऑप्शन आपने देखनी है और कौन सा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपने जो रिलाईबल सॉफ्टवेयर है जिससे आपकी यू एस पी भी ख़राब नहीं होगी और आपकी विंडो भी बूट हो जाएगी और आपने कहाँ से आपने आई एस ओ की फ़ाइल कैसे मतलब डाउनलोड करनी है और किस तरह से उसको आपने अपने सिस्टम में सेव करना है ये भी तमाम चीज़ें और एक और चीज़ जो कि मैं आपको बताऊँगा वो यू एस पी के अंदर विंडो कैसे करते हैं हाँ जी आप ठीक समझे कि यू जो आपकी जो पिन ड्राइव है उसके अंदर विंडोज़ कैसे होती है और आप उसको किस तरह से ट्रैवल करके आप अपने पॉकेट में विंडो को अब रखें और कहीं कहीं भी आपको यूज़ आए यूज़ पड़े किसी डॉक्यूमेंट्स की किसी फाइल्स की तो आप अपनी वो जो पिन ड्राइव जो है वो आपकी आप उसको किसी भी सिस्टम पे लगा के आप अपनी अपनी विंडो आप लॉगिन मतलब बूट करें और उसमें से आपकी जो आपकी फ़ाइल्स जो आपकी जो होती हैं डॉक्यूमेंट्स पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वो आपके सारे सेव कर सकते हैं तो चलते हैं जी लैपटॉप की तरफ तो मैं आपको डिटेल में वहाँ पे बताता हूँ लेट्स गो टू लैपटॉप अच्छा जी हमें तीन चीज़ें चाहिए होंगी एक तो आई एस ओ फाइल विंडो की और दूसरा सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर रूफस के नाम से है और तीसरी जो है वो विंडो जो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से आपको एक वो मिल जाएगी एक्सी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में यहाँ से आप वो डाउनलोड करेंगे क्रिएट विंडोज़ टेन इंस्टॉलेशन अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आ, ये वो एक डाउनलोड है यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे मैं इसको मैं रन करता हूँ ये ओपन हो गई वो सिस्टम सेटअप चल रहा है इसका अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बाकी डिपेंड करता है वीडियो सिस्टम की स्पीड पे लेकिन स्टार्ट हो गया अभी हमने अब इसकी सेकंड ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है क्योंकि हमने विंडो को अपग्रेड नहीं करना हमने क्रिएट करनी है इंस्टॉल करनी है न्यू तो नेक्स्ट करेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वैसे रेंट दीजिएगा वैसे ये वो कह रहा है कि अपनी लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करनी है और विंडो कौन सी है और उसकी में आपने सिक्सटी फोर बीट या थर्टी टू बीट करना है तो बाई डिफ़ॉल्ट सिक्सटी फोर बीट आ रहा होता है तो आपने उसको ऐसे ही मतलब सेलेक्ट करके उसको नेक्स्ट कर देना है अब यहाँ पे जो ऑप्शन दो ऑप्शन आ रही हैं तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने किसी यू एस ड्राइव के अंदर आपने करनी है या आपने उसका आई एस ओ फाइल करनी है जब मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको तो आपने आई एस ओ फाइल को करना जी डाउनलोड कर दें कोई पाथ मैं सेलेक्ट करता हूँ मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ और उसके बाद इसको ओके कर देता हूँ ये देखें प्रोसेसिंग शुरू हो गई है प्रोग्रेस ज़ीरो परसेंट है अभी क्योंकि मैं मेरे पास ऑलरेडी मैंने डाउनलोड की हुई है फ़ाइल तो इसलिए मैं इसको कैंसिल कर दूँगा अच्छा एक चीज़ और भी आपको बता दूँ कि आपने जो सी भी विंडो आपने डाउनलोड मतलब बूट करनी है आपने वो डाउनलोड करनी है ये मैंने विंडो टेन करनी है इसलिए तो मैंने विंडो टेन की है अगर आपने सेवन एट कोई भी करनी है तो आपने उसका आई एस ओ इंस्टॉल करना है तो बाकी मेथड सारा सेम ही है उसमें कोई फ़र्क नहीं है ये रूफस के नाम से सॉफ्टवेयर है थर्ड पार्टी जिसके थ्रू हम यू को बूट करेंगे आपने सिंपल गूगल पे जाके लिखेंगे रूफिस डाउनलोड तो आपको साइड मिल जाएगी ये फाइल हिपो है ये भी एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है वहाँ से मिल जाएगा लेकिन उसकी जो ऑफिशियल जो साइट है वहाँ से भी आपको रूफ़ की वो आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा छोटा सा सॉफ्टवेयर कोई इतना बड़ा नहीं है ठीक है इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ ये अभी ओपन हो जाएगा जी ये ओपन हो गया अब इसी में सारी सेटिंग करनी है, है जिससे क्या होगा कि हमारी जो यू है वो बूटेबल हो जाएगी ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपकी यू की है जितनी जी की यू होगी वो आपकी वहाँ पर वो शो करवा देगा ऑटोमेटिकली वो उसको डिटेक्ट कर लेगा उसमें आपने कुछ भी नहीं करना है जैसे ही आप यू एस तो वो पकड़ लेगा सेकेंड वाली ऑप्शन से आपने अपना आई का जो पाथ है ये सेलेक्ट करना है मैं सिलेक्ट पर क्लिक करता हूँ जहाँ पे मेरा आई एस ओ सेफ में डेस्कटॉप पे किया था मैंने डबल क्लिक किया तो देखिए प्रोसेसिंग नीचे शुरू हो गई और उसने साथ ही उसको डिडक्ट कर लिया अब ये है जी वो दो ऑप्शन जिसके थ्रू हमने बताना है कि आपने विंडो को इंस्टॉल करना है या आपने अपनी यू को विंडो बनाना है तो पहली ऑप्शन जो मैं जूम करता हूँ आपको दिखा भी देता हूँ जूम करके ये देखें वो कह रहा है जी जो स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये विंडो बूटेबल यूएसबी इंस्टॉल करने के लिए बूट हो जाएगी जो नीचे वाली जो ऑप्शन है वो है जी आपकी विंडोज़ टू गो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी यू को विंडो बनाना है मतलब यू के अंदर विंडो इंस्टॉल हो जाएगी और आप कहीं भी लगा के उसको सेव कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आपने यू का बैकअप ले लेना है अपनी यू को फॉर्मेट कर लेना है क्योंकि ये जब जब भी जैसे ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपकी जो यू एस बी है वो तमाम की तमाम फॉर्मेट हो जाएगी और उसमें जितना भी डाटा होगा वो उसको फॉर्मेट कर देगा तो ये विंडो गो टू वाली ऑप्शन आप यूज़ करेंगे जब आपने इसको ट्रैवल यू एस बी बनाना है उसके बाद जी पी टी पार्टीशन आपने अगर इस करनी है तो जी पी टी कर लें अगर आपकी हार्ड जी पी टी है और अगर एम एम बी आर है तो एम बी आर मैंने आप पहले से ही वीडियो बनाई हुई इसका लिंक दे दूंगा आप उसको चेक कर लीजिएगा उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है इसको स्टार्ट कर देना है ये वार्निंग आएगी इससे फॉर्मेट कह रहा है वो करना है तो ये आप ओके करेंगे इसको तो ले जी आपका यही इतना सा काम था उसके बाद आपके तो ये स्टार्ट हो जाएगा और ये विंडो इंस्टॉल हो जाएगी जी तो वीवर्स देखा आपने कितनी आसानी के साथ हमने अपने यू को बूटेबल पिन ड्राइव बना लिया है और और साथ ही साथ हमने देख लिया कि अपने यूएसबी को आप किस तरह से ट्रैवल विंडो यू बना सकते हैं उम्मीद uh, करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा आप दोस्तों के साथ फ़ैमिलीज़ के साथ ताकि उनको तक उन तक भी ये नॉलेज पहुँच सके और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके अच्छा तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आपने आ, कोई भी पेन ड्राइव या कोई भी यूएसबी जब आपने मतलब बूट करवानी है तो आप उसको आपका डाटा जो होगा उसको आपने सेव कर लेना है बैकअप बना लेना है मैं पहले भी बता चुका था शुरू में वीडियो के अंदर भी जब प्रैक्टिकल चल रहा था लेकिन मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो आपकी यू होगी वो आपकी कंप्लीट जो थी वो आपकी फॉर्मेट हो जाएगी उसके बाद फिर आप उसमें विंडो इंस्टॉल होगी तो उसके बाद आप जैसे मर्जी डाटा उसके अंदर सेव कर सकते हैं उसमें कोई इशू नहीं है लेकिन उससे पहले आप अपनी तमाम की तमाम जो यू होगी उसको आपने क्या करना है उसका बैकअप ले लेना है और फिर वो आपने बूट करनी है थैंक यू जी बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़